अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमास किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़े की मीठी मीठी रेसिपी बना रही हूँ, जिसका नाम है ब्रेड पुडिंग। चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड पुडिंग को मैं पतीले में बेक करूँगी। अगर आपके पास ओवन है, आप ओवन में बेक कर लें। मैं यहाँ पर पतीले पर इसको बेक करूँगी। यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक बिछा दिया है और मैंने जाली स्टैंड रख दी है। इसको मैं सबसे पहले प्री हीट होने के लिए रख दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोल लिया है, इसमें डालूँगी 4 अंडे। एक एक करके हम इसको तोड़ेंगे। चार से पांच आप ले सकते हैं, अगर छोटे अंडे हैं तो आप 5 ले लें। यहाँ पे मैंने 4 अंडे बोल में तोड़ लिए हैं। अब इसमें 1 कप चीनी चली जाएगी। इसको हम विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे चीनी को। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह चीनी को अंडों में मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/2 कप मेल्ट किया हुआ बटर चला जाएगा और साथ ही इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा। और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 पैकेट क्रीम का जाएगा। अब क्रीम डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि क्रीम इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रीम इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है रूम टेम्परेचर का, ये डाल देंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये दूध डाल के भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको मैं साइड पे करूंगी। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, आप कोई सा भी ले लें। यहाँ पे मेरे पास शीशे का ट्रे है, मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। यहाँ 12 से 15 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए। अब इनको मैं हाथों से तोड़ के इस बेकिंग ट्रे में डालूंगी। इसी तरह आप मोटा मोटा हाथों से तोड़ के ब्रेड को इसमें डाल दें और साथ इसको बिछाते जाएं। जो सारा मिक्सचर मैंने अंडे का और दूध का सारी चीजों का बनाया है, ये सारा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। सारी जगहों पे आना चाहिए ब्रेड के ऊपर। ये हमारा अब सेट हो गया है। अब इसके ऊपर जाएंगे बादाम पिस्ते। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिए हैं बादाम पिस्ते, और कुछ काजू थे मेरे पास वो भी मैंने काट लिए हैं। इसके ऊपर सारे डाल दूंगी। और साथ ही इसके ऊपर 2 टेबलस्पून किशमिश लिया है, ये डाल देंगे। अब पतीला हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें हम इसको बेक करेंगे। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बेकिंग ट्रे को रखेंगे। इसको हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। पहले मैं 5 मिनट आंच तेज़ करूंगी। अब इसकी आंच मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको मैं बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। इसको 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसको मैं चेक करूंगी। नाइफ की मदद से इसको चेक करूंगी। ये देखिए अभी ये गीला है।
ये देखिए नाइफ पे भी लगा हुआ है। अभी हमारी अच्छी तरह से ये ब्रेड पुडिंग तैयार नहीं है, इसको अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम से मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी 15 मिनट के लिए। अब इसको हम दोबारा चेक करेंगे, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ब्रेड पुडिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं बाहर निकालूंगी निकालूंगी आप इस तरह इसको प्लेट में निकाल लें। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये पुडिंग के ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप कस्टर्ड बना लें वो इसके ऊपर डाल दें, कोई जैम डाल दें, कोई भी चीज़। यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप ले रही हूँ, वो मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए डालूँगी। इसको मैंने चॉकलेट सिरप के साथ गार्निश कर लिया है, ये बहुत ही मज़े की बनी है और साथ इसके जो चॉकलेट का फ्लेवर आएगा उससे ये और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। अगर आपको ये ब्रेड पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।